नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूजीसी नेट के बारे में और डिटेल में यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें बताने के लिए आया हूं। सवाल आता है कि मैं आपको क्यों बताऊं, आप मेरे बात पे क्यों विश्वास करें, आप मेरे साथ तैयारी क्यों करें। तो इसका जवाब है कि मैं जिस नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, इस यूजीसी नेट का मैं दो दो बार एग्ज़ाम निकाल चुका हूं और वो भी कंटिन्यूसली। तो और ये भी मैं इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। वो इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ कि मैं तो पास कर गया। इवन मैं आप अगर मेरे पुराने वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ये भी मैं कंपटीशन फाइट करके ही लिया हूँ। और इस जॉब में आने के पहले मैं कई सारा जॉब भी निकाला था, लेकिन मुझे ये टीचिंग जॉब बढ़िया लगा और इसलिए मैं आया हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसमें भी हो जाएगा। लेकिन हाँ PGT हूँ और ये मैं कंपटीशन फाइट करके लिया हूँ। अब सवाल आता है कि मेरे से क्यों, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ दो दो बार और मेरे कई सारे स्टूडेंट भी निकाल चुका है। तो मैं पहले जब मैं किसी को गाइड कर रहा था तो एक छोटा सा एरिया में ये सीमित था, लेकिन मैं रियलाइज किया कि ये पूरे इंडिया में, क्योंकि कहा ही जाता है इंडिया गाँवों में बसता है, लेकिन गाँव में बहुत सारा गांव ऐसा है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके गांव में आप फर्स्ट कैंडिडेट होंगे जो कि यूजीसी नेट के बारे में सोचे हैं और तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। मतलब सवाल आ गया, जब आप एक ही हैं तो आपको बताएगा कौन? तो ऐसे लोगों को जो कि रूरल एरिया में हैं उनको बताने के लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूँ, ताकि अच्छे तरीके से करके। मैं तो पास कर गया, मैं तो जॉब ले लिया, लेकिन क्या मेरे लेने से क्या इंडिया खुश हो गया क्या? क्या सभी लोग खुशी हो गया क्या? तो जो मैं किया हूँ वो सभी कोई करे, मैं ये चाहता हूँ। और इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ताकि आप भी हमारे साथ मेहनत करें और आप खुश रहें और आप सेलेक्ट हों, ताकि आपको आप अपने एरिया को डेवलप कर सकें। अब दूसरी बात आती है कि मैं क्यों, कोई और क्यों नहीं? हाँ, कोई और भी अगर है आपके आसपास में तो आप उनसे गाइड लीजिए, आप उनसे पूछिए। मैं सिर्फ मेरे से नहीं, किसी से भी कीजिए, लेकिन कंडीशन है कि जो क्वालिफाई कर चुका है उनसे। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया का ऐसा सिस्टम है कि आप किसी से कुछ भी पूछिए वो बताएगा ज़रूर। बात तो वही हो गई, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, आप किसी से पूछ के देखो, पूछेगा बताएगा, हाँ भाई चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। पता चलेगा कि रास्ते में पागल कुत्ता है, उसे भी काटा और आपको भी काटा, क्योंकि उसे नहीं पता, क्योंकि वो कभी गया नहीं कि उस रास्ते में पागल कुत्ता है, तो दोनों को काटेगा। बात वही हो गई। तो आप उन लोगों को बेवकूफ़ वाली, क्योंकि बहुत सारे मुंह से भाई नेट तो बहुत टफ है, ये निकालना बहुत ही कठिन है, ये किस्मत वालों को होता है, आपको यही जवाब मिलता है ज़्यादातर लोगों से, तो आप उनकी बातों पर बिल्कुल ना जाएं। अगर ऐसा होता तो मेरी भी किस्मत ख़राब थी। आपको मैं बताया था पहले के वीडियोज़ में कि मैं 2007 के पहले तक 10th और 12th को छोड़ के कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया था, सारे एग्ज़ाम में मैं फेल किया था। मैं भी यही मानता था कि मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया अपने मन से, मैं ये माना कि किस्मत नहीं, किस्मत बनाने से होता है। उस समय के बाद से आज तक मैं एक भी कंपटीशन फेल नहीं किया, जिस एग्ज़ाम में बैठ गया, चाहे टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे जो भी हो, जितने भी TET के एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ सारा एग्ज़ाम मैं पास हूँ। और जितने बार भी मैं नेट का एग्ज़ाम में बैठा मैं पास किया, इवन बैंक का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, अगर मैं बैठा तो मैं पास किया। कारण सिर्फ एक था, मैं ये मान लिया कि किस्मत बनाने से होता है, किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता, किस्मत हम लिखते हैं, हमारी मेहनत डिसाइड करता है कि हमारा किस्मत कहाँ ले जाएगा। तो उन लोगों का बात पे बिल्कुल विश्वास ना करें जो कहता है कि सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ रहता है। और अगर किस्मत में लिखा हुआ रहता है तो घर बैठे हो जाता ना, फिर PG करने की क्या जरूरी, डायरेक्ट नेट पास कर जाते हैं ना। किस्मत में ऐसी नहीं होती, किस्मत बनाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि हम पढ़ें कैसे, हमारे पास तो कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, चाहे फ़ोन करके हो, मेरा वेबसाइट www.tribhuwankumarbharti.com पे मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, या आपको ईमेल करना है, फेसबुक पे करना है, या मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। और मैं ये प्रोग्राम जो कि UGC नेट की तैयारी करा रहा हूँ, एक महीना पहले से मैं स्टार्ट किया, फिर जब रिजल्ट आया ऑनलाइन YouTube के थ्रू, अगर जब रिजल्ट आया तो बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा फ़ोन आया कि सर मैं एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, मेरी किस्मत में नहीं है, बार बार ऐसा होता है, बहुत का ऐसा होपलेस हो गया हूँ या फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। भाई फ्रस्ट्रेट होने के सवाल नहीं है, सवाल है कि आप पढ़े कैसे थे, कहीं ना कहीं तो आपकी मिस्टेक रह गई थी, अब उस मिस्टेक को हटाना पड़ेगा, उस कमज़ोरी को हटाना पड़ेगा, तब होगा।
अगर आप में प्रॉब्लम ये आई थी कि बहुत सारा का ये आया कि सर मैं जानता तो था या मैं जानती तो थी लेकिन एग्जाम में जाके मैं कन्फ्यूज कर गई, एग्जाम में जाके मैं गलत बना दी, इसका कारण ये हुआ और मैं इस इन्हीं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसी डिजाइन का प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लाया टेस्ट सीरीज वो, और जैसे मैं टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे ही मेरा ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि मेरे वेबसाइट www.tribhuwankumarbharati.com पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो कारण होता क्या है कि हम कभी प्रैक्टिस नहीं किया, हम लगातार पढ़ते जाते हैं, कभी MCQ डिजाइन का क्वेश्चन जैसा कि हमारे एग्जाम में आता है वैसा कभी बनाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बीच बीच से आता है, कॉन्सेप्ट से आता है। जब वही चीज़ आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है आप अपने क्लास में आराम से पढ़ा देते हैं, आप अपने स्कूल में आराम से पढ़ा देते हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है तो आप नहीं बना पाते हैं, बीच का चीज़ नहीं निकाल पाते हैं। कारण है कि बीच का चीज़ निकालने के लिए आपको नहीं आता, आप उस डिज़ाइन का प्रैक्टिस नहीं किए, और उसी डिज़ाइन का प्रैक्टिस करने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में जाके मैं कन्फ्यूज कर गया, एग्जाम में जाके गलती कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एग्जाम में आप गलती करते हैं उस गलती को आप अभी कर दीजिए ताकि एग्जाम में जाके ये गलती ना हो। इसलिए मैं रेगुलर पीरियड में आपके सामने टेस्ट सीरीज, सरप्राइज टेस्ट, इस डिजाइन या मॉक टेस्ट के डिजाइन से मैं टेस्ट ला रहा हूँ ऑनलाइन फॉर्म में, और आप उस टेस्ट को अपीयर कीजिए और आपके जो भी इस डिजाइन का अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो टेस्ट फर्स्ट संडे को मैं जो लॉन्च किया था एज ए ट्रायल बेसिस पे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल था, तो अच्छा खासा मोर देन 1000 कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए, और मैं आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ऑनलाइन कर रहा हूँ। आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके आप इसे देख सकते हैं, या मेरे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके आप अपना पोजीशन देख सकते हैं कि मोर देन 1000 में आपका रैंक क्या है। और जो कैंडिडेट या आपके आसपास में जो भी हैं अगर नहीं इस टेस्ट को दिए थे तो आगे का जो भी टेस्ट होगा वो दे सकते हैं, और ये टेस्ट भी दे सकते हैं, बस रिजल्ट में उनका शामिल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो आप कहाँ पर किए हैं, इवन इसमें क्या, फिर आप जब टेस्ट सबमिट कीजिएगा तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी आपको बताया जाता है वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या है और आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, इस टेस्ट सीरीज में होगा कि हम जैसे जैसे यहाँ से बताएंगे, हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, उसी के बाद जब वो यूनिट कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो यूनिट टेस्ट होगा, फिर यूनिट टेस्ट होगा, ऐसे यूनिट, और साथ ही साथ पहले का भी उसमें 25% क्वेश्चन में देने का कोशिश करूँगा, मतलब पहले को छोड़ना नहीं है, आगे पढ़ते जाना, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फुल सिलेबस के अनुसार फुल सिलेबस का क्वेश्चन रहा करेगा हमारे टेस्ट में, और जो कि एग्जाम के एक सप्ताह पहले तक चलेगा। और प्रत्येक टेस्ट के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो रिजल्ट के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल के साथ साथ हम उस पर यूट्यूब के थ्रू डिस्कशन करेंगे कि जहां पर आपकी कन्फ्यूजन हो गई वो सॉल्व होगा, और उसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ईमेल के थ्रू चाहे जैसे भी हो या फेसबुक के थ्रू, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट में बने रहिएगा इससे। तो आप में जितनी भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जाम का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब एग्जाम के पहले आप एग्जाम का एक्सपर्ट हो चुके रहिएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, उस बात को दूर कीजिए। अगर आप कहते हैं कि किस्मत वालों का होता है तो इस बात को छोड़िए, और छः महीना इस बार मेरे पे विश्वास कीजिए, आप अपने पे विश्वास कीजिए। मेरे पे विश्वास करने के पहले आप अपने विश्वास कीजिए, ये नहीं कि किस्मत में नहीं है, किस्मत को बदलना आपके हाथ में है, आप अपना किस्मत बदल सकते हैं। आप ट्राई तो करके देखिए, आप कोशिश तो करके देखिए, एक बार अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए, किस्मत बदलने की गारंटी है मेरी 1000%। और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा आपके पास आता रहेगा और आप अपना किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।